सो गाइस वीकेंड के वार पर ओपन हुआ नॉमिनेशंस का रिजल्ट। गाइस आपको बता दें कि बिग बॉस ने पांचों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को एक्टिविटी एरिया में बुलाया और फिर सबके आगे एक बैग रखा था। और फिर बिग बॉस ने ये कहा कि यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि मैं आपको किसी भी रैंडम कंटेस्टेंट का बैग ओपन करने के लिए कहूंगा, यानी कि कोई भी कंटेस्टेंट खुद का बैग नहीं ओपन करेगा। और बिग बॉस ने ये भी कहा कि नॉमिनेशन का रिजल्ट हाईएस्ट टू लोएस्ट नहीं जाएगा, मैं किसी को भी कभी भी कहूंगा और फिर वो बैग ओपन करेगा। जिसके बाद फिर जानवी ओपन करती है वर्षा जी का बैग, जिसमें वर्षा जी सेफ हो जाती है। जिसके बाद फिर वर्षा बैग ओपन करती है सूरज का, तो सूरज भी सेफ हो जाता है। फिर अरबाज निकी का बैग ओपन करता है और निकी के बैग में डेंजर जोन लिखा आता है, यानी कि अब निकी बॉटम टू में है। जिसके बाद फिर निकी जानवी की बैग ओपन करती है और जानवी अरबाज की बैग ओपन करती है, जिसमें फिर जानवी की बैग में सेफ लिखा आता है तो अरबाज के बैग में डेंजर जोन लिख कर आता है। यानी कि अब जानवी, सूरज और वर्षा तीनों सेफ हो जाते हैं और अब बॉटम टू में अरबाज और निकी हैं। गाइस आपको बता दें कि बॉटम टू में दो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आ गए हैं, मगर अब देखना ये होगा कि इन दोनों कंटेस्टेंट में से कौन होता है बिग बॉस मराठी सीजन 5 से आउट। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।